अब ये तो बड़ा कातिलाना पेशकश होने वाली है। अब अदा परियों की सूरत हूर की आंखें गजालों की, अदा परियों की सूरत हूर की आंखें गजालों की, गरज मांगे की हर एक चीज़ है इन हुस्न वालों की। अगली पेशकश बेहद दिलकश, बेहद जानदार, बोलें तो एकदम झकास। फिल्म सागर से, चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी सांझ है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। राग विहाग में निबद्ध जावेद अख्तर साहब के बेहद हंसी अल्फाजों से रचे, पंचम दा के दिल चुरा लेने वाले संगीत से सजे, किशोर दा के झुमा देने वाले स्वर से सुसज्जित इस शानदार नगमे को अपनी जादू भरी आवाज़ से हम सबको झुमाने आ रहे हैं हमारे सचिव महोदय, जिन्हें सारा जनपद जूनियर किशोर के नाम से जानता है। और आज का चतुर्थ लता दी स्मृति पुरस्कार हमारे आदरणीय गोविंद कपूर भाई साहब को ही मिलेगा। ये बड़ी रेयर पेशकश आप सुनने जा रहे हैं और ऐसे सूखी सूखी नहीं चलेगी। खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो घर तेरा अरमान सही। Thank you.
जोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो, तेरे सपने देख रहा और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो पता तेरा नाम है क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो पता तेरा नाम है क्या। This was the performance by the 4th Lata Di Smriti Award winner Govind Kapoor Bhai Sahab और सागर जैसी आँखों वाली हमारी आदरणीय हमारी पूनम कपूर भाभी जी भी आई गई थी इनका गाना गा सुनते सुनते, और इस बीच बहुत शानदार था, तालियां भाई ऐसे नहीं, बार बार मुझे कहना पड़े तो भाई ख़राब बात है ये। इस बीच हमारे बीच ईश बंसल और गरिमा बंसल आ चुके हैं, लता मंगेशकर फैंस क्लब उनका हार्दिक स्वागत करता है। हमारी एक प्रबुद्ध श्रोता मधु गुप्ता जी, इनके लिए ख़ास तालियां बजाइए, कितने मज़े लेके और कितने आराम से सुन रही हैं एक एक परफॉर्मेंस को, इतना एंथुजियास्टिकली ऐसे प्रबुद्ध श्रोता हमारे क्लब को मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है।